किनाई को आज कामयाबी मिलनी ही चाहिए। वो शिकार करने चल पड़ी है। छोटी और उसके युवा साथी किनाई की मदद के लिए बहुत उत्सुक है। सारे रास्ते बंद हो जाने पर हिरन पानी में कूद गया। केनाई तरकीब सोचने के लिए निकल गई है। कम उम्र कुत्ते और नन्हे बच्चे भी हिरन के बचने का रास्ता रोककर अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। हिरन के पास लगातार तैरते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है और आखिरकार वो पूरी तरह थक जाएगा। इस बार हिरन खुशकिस्मत है, तालाब के बीच में उसे पैर जमाने की जगह मिल गई। वहां ठंड तो है लेकिन इससे कम से कम शिकारी तो करीब नहीं आ रहे। ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए था। इतने सारे नौसिखिए कुत्तों के होने से झुंड को हालात से निपटने का हल नहीं मिल रहा। मैंने गौर किया कि केनाई वहां नजर नहीं आ रही। वक्त गुजरने के साथ झुंड की उलझन बढ़ रही है और शिकार में दिलचस्पी कम होती जा रही है। लेकिन ना जाने कहां से केनाई चालाकी से हिरन के एक बच्चे का पीछा करते हुए झुंड तक ले आई। इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ब्रदर्स में से एक मदद करने के लिए कूद पड़ा है। इस दौरान तालाब के बीच खड़े हिरन को मौत के मुंह से बच निकलने का मौका नजर आया और वो कुत्तों की नजर बचाकर भाग निकला। किनाई का काम बनता जा रहा है। देखकर खुशी होती है कि वो अब सबसे तेज तर्रार चतुर मादा है जिसका अपना झुंड है।